वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइज यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइज, एक्शन का रिएक्शन कैसे होता है वो Xiaomi से बेहतर कौन जानता है। जी हाँ, Realme 7 Pro को कंपटीशन देने के लिए Xiaomi बहुत ही जल्द इंडिया में Note सीरीज का अगला स्मार्टफोन यानी कि Redmi Note 10 Pro इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। और ऐसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, ये स्मार्टफोन रिसेंटली चाइना में जो Redmi 10X Pro 5G लॉन्च किया गया था, उसी फ़ोन को Redmi Note 10 Pro के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। अगर ये चीज़ वाकई में सही निकल जाती हैं तो Realme 7 Pro को काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिलेगा Redmi Note 10 Pro से। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूं तो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपका एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन ठीक तरीके से चलता है तो आपको नया स्मार्टफोन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उससे आप अच्छे से वाकिफ होंगे। फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। कहने का मतलब यही है, अगर आपको वाकई में ज़रूरत है एक नए स्मार्टफोन की, तभी आपको नया स्मार्टफोन लेना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। सबसे पहला जो रीज़न है वो है इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन। Xiaomi ने यहाँ पर ट्रेंड के मुताबिक ग्लास की बिल्ड क्वालिटी ऑफर की है। फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड दोनों ही तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिलती है। ये फ़ोन मोस्ट प्रोबेबली 3 कलर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा, ब्लू और पिंक। तीसरा जो कलर होगा वो होगा ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन, जो दिखने में थोड़ा सा यूनिक है। रियर साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप होगा। फोन के राइट हैंड साइड पर वॉल्यूम अप एंड डाउन की और ठीक उसके नीचे की तरफ पावर ऑन ऑफ की मौजूद है। ओवरऑल ये फोन लुक और डिजाइन के मामले में काफी हद तक Redmi Note 9 सीरीज से इंस्पायर है। बाकी लुक और डिजाइन एक ऐसी चीज है जिसमें सबकी चॉइस अलग अलग होती है। आपको ये फोन का लुक कैसा लगा आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है इस फोन की डिस्प्ले। पिछले कुछ टाइम से काफ़ी सारे लोगों की एक कंप्लेन थी, Xiaomi अपने स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले ऑफर नहीं करता, तो इस कमी को Xiaomi ने यहां पर दूर कर दिया है। और Xiaomi ने इस फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल का यूज़ किया है, जो IPS डिस्प्ले से काफ़ी अच्छा पैनल है। यहां पर आपको 6.57 इंच की फुल HD प्लस वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है। इतना ही नहीं, ये फ़ोन HDR 10 प्लस को भी सपोर्ट करता है और साथ ही साथ 600 निट्स की ब्राइटनेस भी मिलती है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ब्राइट डिस्प्ले होगी इस फ़ोन की। ओवरऑल ये फ़ोन की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, सिर्फ एक कमी यहाँ पर Xiaomi ने छोड़ दी है, वो है 90Hz या तो 120Hz का रिफ्रेश रेट ना होना। आई होप जब ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा तब Xiaomi को ये कमी भी दूर कर देनी चाहिए, एटलीस्ट 90Hz का रिफ्रेश रेट दे देना चाहिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, Xiaomi को सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 90Hz का रिफ्रेश रेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तीसरा जो रीजन है वो है इस फोन का प्रोसेसर। एक स्मार्टफोन में प्रोसेसर का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है वो Xiaomi अच्छे से जानता है। इस चीज पर फोकस करते हुए Xiaomi ने इस फोन में MediaTek Dimensity 820 प्रोसेसर ऑफर किया है और ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस है, यानी कि काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। जनरली 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर हमें फ्लैगशिप स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर होते हैं वहां पर ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, लेकिन अब मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में Xiaomi ने 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर वाला प्रोसेसर ऑफर किया है और ये प्रोसेसर 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये प्रोसेसर फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देने के लिए कैपेबल है। Qualcomm Snapdragon 855 जो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, इसका एंटूटू स्कोर 430,000 के आसपास है, जबकि MediaTek Dimensity 820 प्रोसेसर का एंटूटू स्कोर 410,000 के आसपास है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं ये प्रोसेसर फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देने के लिए कैपेबल है। चौथा जो रीज़न है वो है इस फोन की बैटरी। बैटरी को लेकर Xiaomi ने इस फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। यहाँ पर आपको 4520 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और साथ में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जो इस फोन को 30 मिनट में 58% तक चार्ज कर देगी। 4520 mAh की बड़ी बैटरी प्लस 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग।
पांचवे रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फोन के कैमरास। यहां पर रियर साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप होगा, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। और लीक्स के अकॉर्डिंग यहां पर आपको वीडियो स्टेबिलाइजेशन के लिए OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट भी दिया जाएगा। इसके अलावा सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का होगा। ऑन पेपर देखा जाए तो इस फोन के कैमरास काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जज कर पाना सही नहीं होगा जब तक ये फोन हाथ में आ नहीं जाता। छठे रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फोन की प्राइस। गाइज, आप में से काफी सारे लोग अच्छे से जानते होंगे Xiaomi को आजकल Realme के स्मार्टफोन से बहुत ही ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है। तो इसी कंपटीशन में आगे निकलने के लिए Xiaomi इस फोन को काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर लॉन्च कर सकता है। 18 से 20,000 के आसपास इस फोन की प्राइस होगी और ये फोन अक्टूबर या तो नवम्बर के एंड तक लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। बाकी दोस्तों, क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? इसके अलावा कंपटीशन को देखते हुए Xiaomi को इस फोन की क्या प्राइस रखनी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से बताना, क्योंकि आपकी वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।